आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, और ये हमारी इस कोर्स की दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हमने जाना था कि फाइल मेनू बार में हम ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, सेव एज एक्सपोर्ट एंड ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस में हमने एडवांस को एडवांस तक किया था, एडवांस के बाद हमें करना था। तो चलिए एडवांस से शुरू करते हैं। तो एक्सेल की जो सेटिंग है वो हम एक्सेल की सेटिंग कर रहे हैं। तो एक्सेल की सेटिंग हम पहली या दूसरी क्लास में क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमने आपको बताया था कि एक्सेल मान लीजिए कि आप कोई भी नई चीज लेते हैं तो उसको अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं। तो उसी तरह से हम एक्सेल को भी अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जो कि हमें काम करने में प्रॉब्लम करती है, ऐसे काम को हम यहां पे दूर करेंगे। तो यहां पे हम आते हैं, जैसे यहां एडवांस में सबसे पहले आपका आता है कि जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे जाता है। आप चाहो तो कर्सर की डायरेक्शन को आप लेफ्ट राइट मोड में रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो कर्सर आप हटा ही सकते हो कि एंटर प्रेस करने पे मेरा कर्सर कहीं जाए ना, सेम पाथ में रह जाए। इवेंट मैपर प्रोग्रामिंग जब वीवी के थ्रू करते हैं तो वहां पे इस तरह की चीजें हम करते थे। उसके बाद इसी तरह से आपका ड्रैग कर जब कुछ टाइप करेंगे तो डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेटिंग्स हैं सारे। तो सेटिंग आपने स्टडी किया हुआ, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ हम एडवांस के नीचे, यहाँ कस्टमाइज है हमारे पास, एडवांस के नीचे और भी कुछ चीजें हैं उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट में आज आपको शुरुआत में बताने जा रहा हूँ। कस्टम लिस्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा मुझे या मेरे बहुत सारे वीडियोज में कि मैं किसी का नाम लिखता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मेरे जो बाकी जो नेम है वो नेम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, नेम हमारे तो यहां पर आ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे रीजन ये है कि हमने स्किल लिस्ट बनाई हुई है। देखिए डिफॉल्ट जो होता है वो होता है जैन, आपने मान लीजिए कि जैन फैब होता है, आपने जैन फैब लिखा, नीचे ड्रैग किया तो वो आपका आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका होता है ऐसी तरह से आपका संडे मंडे, कि आप संडे मंडे लिखेंगे नीचे तो संडे मंडे आपका आ जाता है। उसी तरह से आपका जनवरी पूरा लिखें, फरवरी पूरा लिखें, ऐसे डिफॉल्ट ऐड होते हैं। लेकिन आप अपने भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं एक्सेल ऑप्शन के कस्टमाइज एडवांस में, माफ कीजिएगा, एडवांस के कस्टम लिस्ट में, कस्टम लिस्ट। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पहले से डिफॉल्ट ये ऐड किए हुए हैं, इसकी चेंजिंग आप नहीं कर सकते, लेकिन न्यू लिस्ट पे जाके आप अपनी नई एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सिटी के लिए कर रखा है, हमने यहाँ पे नेम्स की लिस्ट बना रखा है, प्रोडक्ट लिस्ट बना रखा है, कोर्सेज की हमने लिस्ट बना रखी है, ऐसे लिस्ट आप बना सकते हैं। ओके, क्लियर है सर? लिस्ट बनाना, हाँ, कहीं अगर आपको टाइप जो मान कहीं पे टाइप कर रखा है आपने तो आप यहां सेलेक्ट करके उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और याद रखिए कि आपको सिर्फ इसमें एक बार किसी एक फाइल के अंदर करना है, बाकियों में एक ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको हर बार एक करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, इसमें आगे बढ़ते हैं।
कस्टम का यूज हम आगे चल के आपको सॉर्टिंग वगैरह में भी कराएंगे, तो वहाँ आप देखिएगा। तो आपके जो प्रोडक्ट लिस्ट है, आपके सिटी लिस्ट है, आपके क्लाइंट लिस्ट है, ऐसे लिस्ट जिसको बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है या फिर कहीं आपको टाइप करना पड़ रहा है, उसको आप कस्टम लिस्ट, एडवांस के कस्टम लिस्ट में जाके रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कस्टमाइज रिबन की। कस्टमाइज रिबन में क्या है कि दो चीजें हैं, एक तो कोई मेन्यू बार जो आपके यूज कर रही है उसको यहाँ से हटा सकते हो या ला सकते हो, ये तो बहुत रेयर केस में होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रोज के लिए एक अलग बना देते हैं। आगे चलकर जब वीवीए प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो हम बताएंगे आपको कि माइक्रोज के लिए हम अलग एक एक टैब बना देंगे जहां पे सारे माइक्रो लिस्ट होंगे। या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कमांड हैं जो कि आपको रिबन में नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए कमांड नॉट इन द रिबन, तो ये सारे कमांड आपके रिबन में नहीं है, मतलब कि आपके मेनू बार में डायरेक्टली नहीं है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। कैसे, सिलेक्ट कीजिए और ऐड कीजिए। जैसे कि इसमें एक आपका है शेयर वर्कबुक, शेयर वर्कबुक नहीं है, तो मैं रिव्यू में आता हूँ और रिव्यू में मैं यहाँ प्रूफिंग प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट में सेलेक्ट करके मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ कि प्रोटेक्ट में ऐड नहीं हो रहा है, इसमें एडिट नहीं किया जा सकता। तो आप प्रोडक्ट एक नया टैब, एक नया ग्रुप यहाँ बना दीजिए, नया ग्रुप बना दिया हमने प्रोटेक्ट में, और इस ग्रुप का नाम हम कर देते हैं, सॉरी न्यू टैब हो गया, इसको एक बार रिमूव कीजिए, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको यहाँ से रिनेम करता हूँ, रिनेम में मैंने इसका नाम दे दिया। और अब शेयर का आइकन है, तो अब शेयर का आइकन भी यहाँ पे देखिए, शेयर से रिलेटेड आइकन होता है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिलहाल शेयर का आइकन, इसमें मैं शेयर वर्कबुक को ऐड कर देता हूं एंड ओके। आप देखेंगे कि हमारे डेवलपर में, सॉरी रिव्यू में एक शेयर वर्कबुक का यहां ऑप्शन आ गया। तो ऐसे जो कमांड में नहीं है वो आप यहां एक ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन में जाके ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई नया टैब बना सकते हैं, टैब कोई टैब को यहां से एक का बोलते हैं, जैसे डेवलपर टाइप नहीं होता है वो डेवलपर टाइप को हटा सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है एक हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। अब जैसे कि ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं दो तीन होते हैं, जैसे सेव, ऑनडो, रीडो, ऐसे दो तीन चीज होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप अपने ऐड कर सकते हैं। मैंने पेस्ट वैल्यू ऐड किया हुआ है, इसका फायदा ये होता है कि जैसे मैं अल्ट प्रेस करूंगा तो यहां देखिए 4 हो गया, तो मुझे अल्ट 4 डालूंगा, ये मेरा ऑप्शन पेस्ट वैल्यू अप्लीकेबल हो जाएगा। मैंने इसको कॉपी किया और यहां पे मैं अल्ट 4 किया, देखिए हमारा पेस्ट आ गया। तो इस तरह से हम पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है एडिंस। अब जैसे कि पावर बी आई, पावर पिवट और ऐसे बहुत सारे ऐसे एडिंस होते हैं जो कि डिफॉल्ट नहीं होते, वो आप यहाँ वो एडिंग्स में करेंगे। जैसे यहाँ देखिए एनालिटिक्स टूल्स हैं, ये आपका एनालिटिक टूल पैक वीवीए का है, यूरो करेंसी टूल्स है और यहाँ पे सॉल्वर है, ये ऑप्शंस आप यहाँ से ला सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि पावर बी आई, पावर पिवट, सॉरी पावर पिवट एंड पावर व्यू जैसे ऑप्शन हैं, वो भी आप एडिंग से यहाँ पे चेक करेंगे कॉम और ये आपको यहाँ दिख जाएगा और ला सकते हैं।
तो ऐसी इस तरह की जो चीजें हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं अपने एक्सेल की सेटिंग के साथ। क्लियर है सर, एक्सेल की सेटिंग समझ में आया आप लोगों को? बाकी इससे ऊपर के ऑप्शन मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे, तो इससे रिलेटेड आप अपनी खुद से जो इसको देख लीजिएगा। राधे श्याम जी, कोई डाउट इसमें आप? कोई डाउट? और भगवान जी? ओके, उसके बाद हम आते हैं होम मेनू बार के ऊपर, राइट। अब होम मेनू बार में क्या है कि हमारे पास होम मेनू बार में क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन जो है, देखिए अब मेनू बार के अंदर जो चीजें डली हुई है वो डली हुई है यूजेस के हिसाब से। पहले क्या था कि उसकी कैटेगरी, उसके हिसाब से कैटेगरी था, जैसे फाइल, एडिट, इंसर्ट, आप इंसर्ट डेटा ऐसे थे 2003 में आप देखेंगे। लेकिन 2007 जब आया तो यूज के हिसाब से उसने एक कैटेगराइज कर दिया एक्सेल में। तो जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं मैसेज देखने लगा था। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए कि होम मेनू बार में जो होता है वो होता है जो मोस्ट यूजेज होता है, कि हम मोस्टली उस चीज को यूज करते हैं वो हमारे होम मेनू बार में होता है। ठीक है, तो होम मेनू बार में वो होता है जो मोस्टली हम यूज करते हैं, जैसे कि आपका क्लिप बोर्ड, आपका फॉर्मेटिंग वगैरह, आपका फिल्ट्रेशन, ये चीजें मोस्टली यूज करते हैं। इंसर्ट में जो कोई नई ऑप्शंस ऐड, मतलब कुछ चीज इंसर्ट करना, इसके पिवट इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, ऐसे सिंबल इंसर्ट करना, ऐसे इंसर्ट जैसे वर्ड काम करने वाले यूज आपके इंसर्ट में होता है। पेज लेआउट में क्या होता है, आपकी पेज की सेटिंग होती है। पेज लेआउट में अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं आप, उसकी बैकग्राउंड, उसकी प्रिंट टाइटल, उसकी व्यू वगैरह रिलेटेड है। फॉर्मूला में तो सिंपल सी बात जानते हैं, जो फॉर्मूला से रिलेटेड चीजें होती है। डेटा पे, डेटा से रिलेटेड चीजें, जैसे डेटा के इंपोर्ट करना, डेटा पे क्यूरी लगाना, उस पे फिल्टर लगाना, उसकी वैलिडेशन लगाना, उसकी फोरकास्टिंग करना, ग्रुपिंग करना, जो डेटा से रिलेटेड चीजें हैं वो चीजें आपको यहाँ पे डेटा में दोबारा मिलता है। रिव्यू मतलब कि किसी चीज को रिव्यू करना, जैसे कि आपको स्पेलिंग को रिव्यू करना, आपको कमेंट को रिव्यू करना, प्रोटेक्ट करना, ये जो चीजें ऑप्शंस है ये ऑप्शंस आपके रिव्यू में मिलते हैं। उसके बाद व्यू, विंडो की व्यू से रिलेटेड, नॉट ए फाइल, पूरी विंडो की व्यू से रिलेटेड जो चीजें हैं वो चीजें आपको मिलेगी व्यू में। अब बात करते हैं डेवलपर। डेवलपर में आपको जो भी VBA से रिलेटेड जो चीजें हैं, एक्सेल से बाहर की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ मिलती है। तो अभी ऐसा इस चीज बताने की जरूरत क्या है, देखिए क्या ना, हम इंटरव्यू लेते थे तो इंटरव्यू में क्या होता था कि हम देखते थे कि मैं बोला भाई पिवट टेबल अप्लाई करो, तो पिवट टेबल के लिए वो कहाँ क्लिक कर रहा है। अगर पिवट टेबल के लिए उसने डेटा में क्लिक कर दिया, इसका मतलब उसको पिवट टेबल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पिवट टेबल किस मेनू बार में है। अगर उसने इधर उधर क्लिक कर दिया, इसका मतलब है कि वो नहीं जानता है सही तरीके से। मैं सही बोल रहा हूं सर? तो इसलिए आपको, अगर माने कोई ऑप्शन ज्यादा यूज नहीं भी करते हैं तो उस ऑप्शन की प्रॉपर्टी को समझिए और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिर आप ओके सर। इसका ध्यान रखिएगा। अब चलिए वापस चलते हैं होम मेनू बार।
तो उससे आप यहाँ पे हम सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बनाना आपको हम सिखाते हैं कि आखिर किस तरह से टेबल क्रिएट की जाती है डेटा, क्योंकि देखिए जनरली आपको जानते हैं, फिर भी आपको मैं एक बार थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ। अब देखिए कभी भी कोई डेटाबेस अगर कोई किसी तरह का डेटा बना रहे हैं तो एक यूनिक आईडी उसमें होना चाहिए। जैसे कि नहीं कोई यूनिक आईडी है तो आप सीरियल नंबर ही डाल दीजिए, वो स्टार्टिंग में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर बैंक का डेटा बना रहे हैं तो उसका अकाउंट नंबर यहाँ लिख दीजिए, या फिर किसी एम्प्लॉय का डेटा बना रहे हैं तो एम्प्लॉय कोड लिख दीजिए, नहीं कोई डेटा बना रहे तो सीरियल नंबर दे दीजिए। ऐसा इसलिए कि आगे चल के उस पर रिलेशनशिप और बाकी चीज क्रिएट करने में या वीलुकअप ही लगाने में आपको काफी ज्यादा फायदेमंद रहे, इसलिए हमने ये बोला। उसके बाद बाकी डिटेल्स आप दे सकते हैं। तो पहले आप हेडिंग डिसाइड कर ले कि आखिर हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग भी आगे करना होगा, ऐसा नहीं। जैसे ये हमारा बन गया, अब इसमें आप ये देखिए आपके जो कोई भी टेबल क्रिएट किया सबसे पहला काम है आपका हेडिंग को क्रिएट करना, और जो भी जरूरत की चीजें हैं, जरूरत की हेडिंग है, उस हेडिंग को आप यहाँ पे पहले डाल दें, राइट। अब दूसरा इसमें एक ये आता है कि जो कैलकुलेटिंग फील्ड है, जैसे कि मुझे क्वांटिटी और एमआरपी को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन पहले कर लें। तो कैलकुलेशन में जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर मैं यहाँ पे अगर क्वांटिटी में 10 डालता है, एमआरपी में मैं अगर मान लीजिए 52 डालता, तो इन दोनों के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम इसको क्लिक करेंगे तो इसकी सेल वैल्यू D2 मतलब कि D कॉलन एंड 2 नंबर रो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय E कॉलन एंड ऑल्सो 2 नंबर रो E2 आ जाएगा। से आपको किसी का परसेंटेज निकालना हो, जैसे मुझे अगर 520 का अगर मान लीजिए 2% निकालना है तो 2 और परसेंट का सिंबल दे दीजिए। लेकिन नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, बट यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी डिवाइड बाय 100 होता है। अगर आपने परसेंटेज का सिंबल लगा दिया तो ऑलरेडी डिवाइड बाय 100 है। उसके बाद बात करते हैं जीएसटी, ऐसे ही हमने यहाँ पे जीएसटी निकाल लिया मान लीजिए 18%, और फिर यहां भी हम इसको टोटल में सम कर देते हैं, और फिर जो फॉर्मूला वाला एरिया है उस एरिया को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। अब यहां भी क्या 0 दिख रहा है, मुझे 0 नहीं दिखाना है, कुछ और दिखाना है, तो इसको फॉर्मूला के जरिए हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले की नॉलेज नहीं है तो एक्सेल की सेटिंग में भी एक ऐसा ऑप्शन होता है एडवांस में जो कि आप 0 को ब्लैंक कर सकते हैं। यहां पे एक ऑप्शन होता है, काफी पहले मैंने किया था, सॉरी यहां 0 सेल्स मैंने 0 वैल्यू एंड ओके, तो आपका 0 अब शो नहीं होगा इस सीट पे, सिर्फ सीट पे, कहीं और पे करते हैं तो 0 शो करेगा, ठीक है। तो हमने सीट की सेटिंग चेंज कर दी। अब आप अपना एंट्री करते चले जाइए, सॉरी दिक्कत यहाँ पे आता है कि मुझे सीरियल नंबर देना पड़ रहा है, और मान लो हमने फॉर्मूला तो लगाया हुआ है, कहाँ तो बस यहाँ तक ही लगाया हुआ है ना सर, इसके नीचे तो नहीं है, फिर ड्रैग करना पड़ेगा हमें,
तो एक काम और कर सकते हैं, अब फॉर्म ये जो ड्रैग ड्रैग वगैरह किया है मैंने, ड्रैग ना करके हम अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट पे रख देते हैं, या होम एनवायरनमेंट में भी टेबल होता है, फॉर्मेट एज ए टेबल। तो फॉर्मेट टेबल करने से क्या फायदा हुआ कि एक टेबल में जनरेट हो गया। अब मैं यहाँ कुछ यहाँ पे जैसे मैंने वन दिया, यहाँ पे हमने डेट दिया, अब देखिए क्या होगा इसमें, आपको बेनिफिट क्या होगा। मैं यहाँ पे टू डालता हूँ, डेट डाला तो देख रहे हैं कि बाकी डेटा, बाकी जो फॉर्मूला वगैरह है वो अपने बा अपने आप जो है कॉपी हो गया है। मैंने कॉपी नहीं किया है सर, कॉपी जैसे मैं यहाँ पे थर्ड नंबर डालूंगा या फिर मैं यहाँ पे डेट डाल दिया वो अपने आप फॉर्मूला इंक्रीज हो जाता है। तो जो टाइपिंग करना रहेगा बाकी सारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपकी कॉपी हो जाएगी, ये आपका टेबल का फीचर्स होता है। तो आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, जीरो रिमूव करने की जरूरत नहीं है, आपकी वैल्यू यहां पे शो हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को सर? डाउट इसमें सर? इसको प्रैक्टिस कीजिए, कल से हम आपका क्लिपबोर्ड मतलब कि होम मेनू बार हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल सेम टाइम।